हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बच्चों का फेवरेट चॉकलेट केक। इस केक को हम विदाउट एग के बनाएंगे और वो भी कटोरी में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस यम्मी केक की रेसिपी को बनाना। कटोरी केक बनाने के लिए हम यहाँ कटोरी को ऑयल से ग्रीस करेंगे। इसके अंदर लगाएंगे हम बटर पेपर, इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। आइए अब हम केक के लिए बैटर बनाएंगे। यहाँ हम एक बाउल लेंगे, इसके ऊपर छलनी रखेंगे। इसमें डालेंगे हम एक कप मैदा। आप कोई भी मेजरिंग कप कटोरी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने नॉर्मली चाय के कप का यूज़ किया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डालेंगे। कोको पाउडर आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। 1/2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। 1/2 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा कॉफ़ी पाउडर डालेंगे और इन सबको सीव करेंगे। अब यहाँ एक बोल लेंगे, इसमें 3/4 कप शुगर पाउडर डालेंगे। 1/2 कप दही डालेंगे। ये घर का दही है, खट्टी दही का यूज़ मत कीजिएगा। 1/4 कप ऑयल डालेंगे। 1/2 कप दूध डालेंगे। 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे। 1 टेबलस्पून विनेगर डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने जो भी सामान यूज़ किया है ये रूम टेम्परेचर पर है। आइए अब हम केक का बैटर तैयार करते हैं। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए 2 से 3 चम्मच दूध कम या ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केक परफेक्ट ही बनेगा। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। आइए अब इसे कटोरी में डाल देते हैं। यहाँ आधी कटोरी बैटर डालेंगे। पहले मैं थोड़ा सा बैटर डाल रही हूँ। अब इसे और ज़्यादा यम्मी बनाने के लिए इसमें एक चॉकलेट का पीस लगा रही हूँ, ये ऑप्शनल है। इसके ऊपर थोड़ा सा बैटर और डालेंगे और इसी तरीके से हम अपनी सारी कटोरियाँ तैयार कर लेंगे। इसे 2 से 3 बार टैप करेंगे। आइए इधर गैस पर कुकर को 10 मिनट के लिए सीटी और रबड़ हटाकर मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट करेंगे। इसके अंदर इस तरीके का स्टैंड या प्लेट कुछ भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर कटोरी रखेंगे और इसे ढककर लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट के लिए रखेंगे। 35 मिनट हो गए हैं। वाओ, कितना बढ़िया केक बना है। हमें केक को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 35 मिनट में कटोरी केक अच्छे से कुक हो जाता है। इन्हें हम बाहर निकाल देंगे और ठंडा होने पर डीमोल्ड करेंगे। और ये देखिए, हमारा केक ठंडा हो गया है। अब नाइफ से साइड से घुमाएंगे। ये देखिए, देखने से ही लग रहा है ना कितना जालीदार केक बना है। ये देखिए, सुपर सॉफ्ट केक बना है। मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। काटने से ही आप समझ रहे होंगे कितना सॉफ्ट केक बना है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, केक को बनाना कितना आसान है। तो एक बार आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।